प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, मंत्री परिषद के तमाम हमारे उपस्थित मंत्रीगण, महेंद्र चौधरी जी डिप्टी चीफ व्हिप, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी धीरेन्द्र आर्य जी, डीजीपी लाडू साहब, तमाम हमारे उपस्थित मुख्यमंत्री के सलाहकारगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, ये ओपन वीसी है, जो भी प्रदेशवासी सुन रहे हैं वो तमाम हमारे भाई और बहन, पूरे 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम सब आज मिल रहे हैं। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, 3 साल में हर विभाग में इतने काम हुए हैं, उन कामों को अभी कोई गिनाना संभव ही नहीं, असंभव है। जो संभव था उससे अधिक करने का प्रयास किया, इसलिए मैंने कहा आपका विश्वास हमारा प्रयास के माने यही है कि जनता ने विश्वास रखा, हमने प्रयास किया। चुनौती की आई थी, राजनीतिक चुनौती भी आई थी और कोरोना की चुनौती भी आई थी, दोनों का मुकाबला बहुत ही बेखूबी से किया गया आप सबके आशीर्वाद से, पूरे प्रदेशवासियों ने साथ दिया। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मुझे खुशी कहते हुए तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने, तमाम धर्म गुरुओं ने, तमाम स्वयंसेवी संगठनों के लोगों ने और सरकार की तरफ से भी पूरा प्रयास किया गया। और मैं समझता हूँ कि कैश में काइंड में लोगों की मदद की गई, कोरोना के अंदर जो इलाज किया गया उसमें राजस्थान का एक नाम हो गया देश के अंदर और दुनिया के अंदर। मैं इस बात का गर्व है जिस रूप में मैनेजमेंट हुआ है उसमें, चाहे वो हमारे अधिकारी थे जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, और चाहे वो हम सब लोग मिलके जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, सबने मिलकर के ऐसी फिजा बना दी राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, और उसी रूप में हर फैसले हुए, उसी रूप में मॉनिटरिंग हुई, उसी रूप में एक्सपर्ट की राय समय समय ली गई, और रूप में प्रधानमंत्री जी को भी जब कभी मौका मिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर बात करने का, तो हमने खुल करके उनसे बात की। नतीजा रहा कि राजस्थान के अंदर तो दवाइयां थी, चाहे ऑक्सीजन का जो वहाकर मर गया था देश के अंदर, तब भी हम लोगों ने अच्छे ढंग से मर जरूरत पड़ी तो चार्टर प्लेन किया और दवाई मंगाई बॉम्बे से। एक दिन में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन की देरी से हो सकता किसी जान चले, एक भी जान क्यों जाए, ये सोच करके हम लोगों ने मैनेजमेंट किया। अब भी जो मेरे पूर्व वक्ता ने बताया आप, तो तैयारी और भी शानदार है। तो कहने का मतलब ये कि आज हम खड़े हैं 3 साल के उपलक्ष के अंदर, और मैं इस मौके पर हर विभाग की बात करने के बजाय इतने कहना चाहूंगा कि राजस्थान आजादी के वक्त में क्या था और आज क्या है, उसकी कड़ी के अंदर जो 3 साल में काम हुए, वित्तीय प्रबंधन हुआ, कि कोरोना के बावजूद रेवेन्यू करीब 70% कम हो गई थी, एक वक्त ये भी आया, पर उसके बाद में जिस रूप में मैनेजमेंट किया गया वित्तीय रूप, जिस रूप में फैसले किए गए हर विभाग के, उसी के कारण से हम कह सकते हैं कि चाहे पानी की योजनाएं हो, तो आपको अभी आपके सामने बताया गया किस प्रकार लोकार्पण हुए, किस प्रकार से शिलान्यास हुए बड़े रूप में, जल जीवन मिशन इतिहास बना देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, हमारी भागीदारी 50% है उसको हम पूरी तरह निभा रहे हैं, करीब 50,000 करोड़ की योजनाएं रहेगी, हर घर में जल पहुंचे,
राजस्थान पीछे नहीं रहेगा। योजना में तरीके काम चल रहा है घर घर में जल पहुंचाने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी जो वादा किया था हमारे ईस्टर्न कैनाल योजना बनाने का, राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करने का, 13 जिलों का मामला उसके अंदर राजस्थान की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, और पिछली सरकार की वक्त की बनी हुई है, जिनकी सरकार आज दिल्ली के अंदर है। प्रधानमंत्री ने वादा किया था राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, वो घोषित करते हैं। 13 जिले में जल जीवन मिशन भी अच्छे ढंग से लागू हो पाए, पानी का सोर्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि योजनाएं तो चाहे सिंचाई की हो, चाहे वो जल जीवन मिशन के रूप में जलदाय योजनाएं हो, पानी के साथ में बिजली भी, आज हम लोग वो हालात नहीं जो कोई जमाने में बिजली की मांग को लेके लोग आंदोलन करते थे, आज हम लोग करीब 23,000 मेगावाट बिजली बन, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट भी हमने टाइम पे लगाए थे, हालांकि लगने में देरी हुई। बाद में सरकार बदलते ही कई फैसले ऐसे होते हैं कि तकलीफ भी होती है जन जीवन को भी और